हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, अल्ट्रा स्लिम पीसीबी और नॉर्मल पीसीबी का फ़र्क क्या है, ये वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर देगा और लास्ट में आपको इसका योक कॉइल का फ़र्क भी दिखाऊंगा। इसलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देगा कि नॉर्मल किट और अल्ट्रा स्लिम किट का फ़र्क क्या है। तो आप देख सकते हो मेरा पास दो किट है, मैं ये दो न्यू किट ये है। तो आप इधर वाला जो किट आप देख रहे हो, ये नॉर्मल सीआरटी टीवी किट है। ये किट आप कुछ भी नॉर्मल पिक्चर ट्यूब पर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये जो किट आप देख रहे हो, ये अल्ट्रा स्लिम का किट है। ये अल्ट्रा स्लिम टीवी पर आप यूज़ कर सकते हो, पिक्चर ट्यूब पर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको फर्स्ट जो दिखाया, जो नॉर्मल ट्यूब का जो योक होता है वो अलग होता है, और अल्ट्रा स्लिम का जो किट होता है, अल्ट्रा स्लिम ट्यूब का कॉयल योक कॉयल वो अलग होता है, ठीक है। और पीसीबी का अंदर बहुत कुछ फ़र्क देखा जाता है। मैं कुछ कुछ वीडियो का अंदर मैं बताया और दिखाया, तब भी सिर्फ ओनली अस इस वीडियो के बारे में मैं सिर्फ इसका जो दोनों किट का जो फ़र्क होता है ये आपको बताऊँगा, ठीक है। तो जो जो सेम होता है ये आप ध्यान दीजिए, मेरा पास ये जो दो किट है, मैं ये दो किट रखा है, आप देख सकते हो। ये दोनों ही मार्केट लोकल किट है, ठीक है। अभी जो टीवी नया नया जो देखने को मिलता है उसका अंदर सभी इस टाइप किट दिखा जाता है, ठीक है। और ये चेसिस पर जो आईसी यूज़ होता है, इसका जो प्रोसेसर आईसी है, ये सेम आईसी अल्ट्रा स्लिम पर भी यूज़ होता है, ठीक है। सब कुछ ही सेम है, ठीक है। इसका जो साउंड सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, पावर सेक्शन, सब कुछ ही सेम है। सिर्फ ये अल्ट्रा स्लिम किट पर हॉरिजॉन्टल आउटपुट सेक्शन कुछ अलग तरह से एक एक्स्ट्रा सेक्शन ऐड है, ठीक है। या हॉरिजॉन्टल सेक्शन पर एक एक्स्ट्रा सेक्शन ऐड है। तो ये कौन सा सेक्शन है, वो सेक्शन पर कौन कौन पार्ट्स है, ये आपको आज क्लियर कर देगा, ठीक है। तो फर्स्ट, आप सबको पता है कि नॉर्मल जो सीआरटी किट होता है, ये जो होता है, इसका जो वर्टिकल आईसी होता है, आप देख लीजिए। सिर्फ आपको फर्क के ऊपर बहुत डिस्कस करूँगा कि आपको पास अब नॉर्मल आंखों से पीसीबी देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये नॉर्मल सा किट है ये, और ये अल्ट्रा स्लिम का किट है। आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट दोस्तों, ये जो अल्ट्रा स्लिम का जो वर्टिकल आईसी होता है और नॉर्मल किट का जो वर्टिकल आईसी होता है, दोनों आईसी का नंबर कुछ अलग होता है, ठीक है। मार्केट किट पर जो वर्टिकल आईसी यूज़ होता है, 7840 का आईसी यूज़ होता है, ठीक है। और अल्ट्रा स्लिम किट पर ये जाएगा पर 78041 और 45, ठीक है। 78041 और 45, ये दो आईसी अल्ट्रा स्लिम किट पर यूज़ होता है, क्योंकि 78041 और 78045 ये दो आईसी का वोल्टेज अधिक होता है 78040 आईसी से, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो नॉर्मल किट पर आप 78041 और 45 ऐसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब अल्ट्रा स्लिम किट होगा, अल्ट्रा स्लिम पर 78040 ऐसा भी यूज़ करेगा तो वो ऐसे लॉन्ग लास्टिंग नहीं करेगा, वो काट जाएगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, ये तो एक बात हो गया। और नॉर्मल आंखों से आप देख सकते हो कि नॉर्मल किट और अल्ट्रा स्लिम का जो फर्क होता है, सब कुछ ही सेम लगता है, ठीक है। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट सेक्शन आप देखिए, जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर का पास एक 1600 वाला बूस्ट पीएफ देखा जाता है, ठीक है। ये 1600 वाला बूस्ट पीएफ है, और एक 400 वोल्ट वाला पीएफ और 250 वोल्ट वाला, कुछ भी एक वोल्ट वाला पीएफ यहाँ पर हो सकता है। ये दो पीएफ ही अधिक नॉर्मल किट पर देखा जाता है, ठीक है। और जो अल्ट्रा स्लिम किट होता है, आप देख सकते हो ये जो अल्ट्रा स्लिम किट है, ये अल्ट्रा स्लिम किट पर देखिए तीनों बड़ा वाला पीएफ देखा जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो एक दो तीन बड़ा वाला पीएफ, दो 1600 वोल्ट वाला पीएफ है, ठीक है। ये आप देख सकते हो दो 1600 वोल्ट वाला पीएफ है, और ये एक 400 वोल्ट वाला पीएफ है, ठीक है। ये नॉर्मल सा आप ये देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये अल्ट्रा स्लिम का किट है, क्योंकि अल्ट्रा स्लिम का हॉरिजॉन्टल आउटपुट सेक्शन बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ पर दो आउटपुट कॉयल देखने को मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर एक कॉयल है ये, और यहाँ पर एक कॉयल है, दो बड़ा वाला कॉयल है। लेकिन ये दो बड़ा वाला कॉयल नॉर्मल किट पर नहीं है, आप देख सकते हो। ये नॉर्मल जो किट है, यहाँ पर सिर्फ एक छोटा कॉयल आउटपुट हॉरिजॉन्टल आउटपुट कॉयल है, ठीक है। ये कॉयल से हॉरिजॉन्टल जो योक कॉयल होता है, योक कॉयल
को कनेक्ट करता है ये कॉइल, कॉइल का बाद, ठीक है। और दोस्तों ये देखिए, ये सेप दो पीएफ कॉइल और ये आउटपुट ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर का साथ ये जो सेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल आउटपुट सेक्शन हो गया है, नॉर्मल सा कनेक्शन है। लेकिन जो अल्ट्रा स्लिम क्लिप किट होता है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए एक बड़ा वाला डायोड है और अंदर बड़ा वाला डायोड है, आप देख सकते हो ये पीएफ का पास, ठीक है। और जो आउटपुट ट्रांजिस्टर, इसका साथ दो कॉइल तो मैं बताया। और देखिए ये जो डाइवर कॉइल होता है, ये डाइवर कॉइल का पास, ये एक अलग सा पार्स, आप देख सकते हो ये ट्रांजिस्टर जैसा है। एक्चुअली ये ट्रांजिस्टर नहीं है, इसका जो नंबर TIP42, ठीक है। ये जो ट्रांजिस्टर, ये T42 ट्रांजिस्टर है, एक्चुअली ये ट्रांजिस्टर नहीं है, ये मॉसफेट है, ठीक है। तो ये एक अलग सा पार्स है, और एक्चुअली ये जो पार्स होता है, ये जो पार्स एक्चुअली हॉरिजॉन्टल जो पिक्चर का जो साइज होता है, लेफ्ट और राइट साइड, ये दो साइड एडजस्ट करने के लिए ये पार्स काम करता है, ठीक है। और ये एक अलग सेक्शन है, ये अलग सेक्शन ईस्ट वेस्ट सेक्शन भी बोला जाता है। ये अल्ट्रा स्लिम पर ही देखने को मिलता है, और आप बैंडेड सेट पर देखेगा तो वहाँ पर, यहाँ पर इस टाइप एक ट्रांजिस्टर जैसा आपको देखने को मिलेगा। और कुछ कुछ बैंडेड सेट पर यहाँ पर एक छोटा 8 टंग वाला आईसी भी देखा जाता है, और दो तीन छोटा छोटा ट्रांजिस्टर भी देखा जाता है। वो पार्ट्स एक साथ कनेक्शन करके एक अलग सेक्शन, ये जो स्टोरेज सेक्शन, ये कंपनी रेडी किया है, ठीक है। ये सेक्शन आपको ध्यान दीजिए, जब पिक्चर का दोनों साइड छोटा हो जाएगा, और छोटा होने के बाद बैंड हो जाता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम दिखा जाता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये सेक्शन का ही फॉल्ट है, ठीक है। तो ये अल्ट्रा स्लिम किट का फर्क है। और ये जो सेक्शन होता है, ये सेक्शन के बारे में आपको कुछ क्लियर काट देता हूँ मैं, आपको अगर उल्टा करके दिखाता हूँ आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो किट होता है, थोड़ा सा ये पीसीबी को मैं ये बेस से मैं बाहर काट लेता हूँ, क्योंकि आपको समझाने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, और इसका जो आउटपुट सेक्शन, ये सेक्शन पर इसका जो ESD यूज होता है, ये सेम जो नॉर्मल किट, नॉर्मल किट का अंदर आप नॉर्मल 10-10 ESD यूज कर सकते हो, लेकिन ये अल्ट्रा स्लिम किट पर आप 10-10 ESD आपको देखने को मिलता है, क्योंकि 10-10 ESD बहुत ही हाई क्वालिटी वाला ESD होता है, और उसका ऑसिलेशन थोड़ा लो होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 10-10A, ठीक है, 10-10A वो नॉर्मल किट पर देखा जाता है अधिक, और 10-10E जो ESD होता है वो अल्ट्रा स्लिम पर देखा जाता है, और उसका सब्स्टिट्यूट बहुत कुछ है, तो तब भी आपको बताता हूँ। इस पर जो ESD है आपको एक बार बता देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर जो ESD है, BSC27T1051N, ठीक है, BSC27T1051N, ठीक है, ये अल्ट्रा स्लिम का ESD है। इसी जगह पर आप 10-10E ESD यूज कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जो नॉर्मल किट का अंदर है, सब कुछ इसका अंदर है। और ये सेट पर जो IC यूज कंपनी लगाया, 78045, ठीक है, ये वर्टिकल IC है। और दोस्तों इसका जो प्रोसेसर IC है, नॉर्मल किट का प्रोसेसर IC सेम ही है, और ये अल्ट्रा स्लिम का जो अलग सिस्टम होता है, क्योंकि जो ये जो ट्रांजिस्टर जैसा पार्ट्स आपको दिखाया, एक्चुअली ये ट्रांजिस्टर नहीं है, ये मॉसफेट है। तो दोस्तों ये जो सेक्शन होता है, ये सेक्शन थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ, ये किस तरह काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आउटपुट सेक्शन, आउटपुट ट्रांजिस्टर, इसका साथ ये जो 1600 वाला बूस्ट PF है, इस पर दो PF है, 1600 वाला दो बूस्ट PF पैरेलल कनेक्शन है, ये सीरीज कनेक्शन नहीं है, दो पैरेलल कनेक्शन है। और यहाँ से एक बड़ा वाला कॉइल कनेक्शन है, आप देख सकते हो ये जो बड़ा वाला कॉइल, ठीक है, ये बड़ा वाला कॉइल कनेक्शन है। और ये जो कॉइल आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो लाइन जाता है आप देख सकते हो, यहाँ पर एक जम्पर है, और जम्पर के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक मेन फिल्टर कैपेसिटर है, और उसके बाद ये जो लाइन देखिए यहाँ तक, यह लोड 2 वाट का रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हो, ये देखिए हीट सिंक का पास 2 वाट का एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस का बाद ये जो लाइन जाता है, बीच में एक जम्पर है, और जम्पर का बाद ये जो मॉसफेट आपको दिखाया,
ठीक है, ये जो मॉस्फेट आपको देखाया, ये जो हीट सिंक का साथ, ये जो अलग सेक्शन है, ये जो देखाया ये सेक्शन पर आता है सप्लाई, ठीक है। और एक पिन ग्राउंड हो जाता है, इसका मिडिल पिन ग्राउंड हो जाता है, ठीक है। और ऊपर वाला जो पिन होता है, आप देख लीजिए, ऊपर वाला जो पिन होता है ये पिन से डायरेक्ट एक्ट ट्रांजिस्टर का साथ कनेक्शन है, ठीक है। ये छोटा वाला लगता है कि 18-15 ट्रांजिस्टर है, आपको तब भी बता देता हूँ, अब थोड़ा सा रुकिए मैं देख के बताता हूँ। ये 1815 का ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये जो छोटा वाला ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये जो छोटा वाला ट्रांजिस्टर, तो ये ट्रांजिस्टर से एक पिन का साथ, ठीक है, आपको दिखाता हूँ। ये पिन का साथ बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का जो पोजीशन R309, ठीक है, ये पोजीशन जो रेजिस्टेंस का बाद डायरेक्ट एक जम्पर है, ठीक है, और जम्पर का बाद एक डायोड, ये नेगेटिव का साथ कनेक्शन है, और ये जो लाइन होता है डायरेक्ट ये आईसी का, प्रोसेसर आईसी का 25 पिन का साथ कनेक्शन है, ठीक है। ये 25 पिन, ये जब रिमोट से, ठीक है, एक्चुअली 25 पिन का साथ ये सेक्शन कनेक्शन है, स्टोरेज सेक्शन ये कनेक्शन है, एक्चुअली ये टोटली सिस्टम जो होता है ये सर्विस मोड से काम करता है ये सेक्शन। तो पिक्चर ये कुछ भी अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब पर लगाने का बाद दोनों साइड पिक्चर एडजस्ट करने के लिए आपको फर्स्ट हॉरिजॉन्टल आउटपुट को दो पॉइंट देखने को मिलता है, आप देख सकते हो, ये लास्ट वाला एक पॉइंट है, ठीक है, लास्ट वाला एक पॉइंट है और यहाँ पर और एक पॉइंट है, ठीक है। अलग अलग किट पर इस तरह अलग अलग पॉइंट देखा जाता है, आप पिक्चर का हिसाब से छोटा और बड़ा दोनों साइड हिसाब से आप इसका जैक चेंज कर सकते हो, और चेंज करने के बाद जब उसका जो पिक्चर साइज लेफ्ट और राइट जब बैंड देखा जाता है और कोना भी इधर उधर बड़ा छोटा देखा जाता है, तो वो सेक्शन को एडजस्ट करने के लिए इसका जो सर्विस मोड होता है, सर्विस मोड ओपन करके आपको एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो सर्विस मोड से जब आप आपका हिसाब से सर्विस मोड ओपन करके जब एडजस्ट करेगा, तो ये आईसी का 25 नंबर जो पिन होता है, 25 नंबर पिन से सिग्नल ये सेक्शन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये सेक्शन को कंट्रोल करने के बाद इसका जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट सेक्शन, ये इसके इसी हिसाब से ये टोटल हॉरिजॉन्टल आउटपुट वोल्टेज और सिग्नल कंट्रोल करेगा और पिक्चर एडजस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। इसी ये सेक्शन का अल्ट्रा स्लिम का सिस्टम है, ठीक है दोस्तों। और ये जो नॉर्मल किट है, ये नॉर्मल किट का अंदर इसका जो 25 नंबर पिन होता है, आप अच्छा करके देखेगा तो वो 25 नंबर पिन कभी कभी सेट पर ओपन दिखा जाता है, कभी कभी सेट पर एक कैपेसिटर का सब ग्राउंड कर दिया जाता है, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिए, तभी मैं एक बार देख के बताता हूँ यहाँ पर कंपनी किया है, कौन सा कनेक्शन किया है। तो दोस्तों आप देखिए, ये आईसी का देखिए, ये 25 नंबर पिन है, ठीक है, और ये 25 नंबर पिन के साथ देखिए एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये 10 mFd का आसपास कैपेसिटर होता है, ये देखिए ग्राउंड का साथ कनेक्शन कर दिया है, ये लाइन को टोटली ऑफ कर दिया है नॉर्मल किट पर। लेकिन अल्ट्रा स्लिम किट पर आपको दिखाया ये लाइन से बीच में एक रेजिस्टेंस है और अलग एक जो स्टोरेज सर्किट बनाया अल्ट्रा स्लिम पर, वहाँ पर कनेक्शन है। तो आपको पता हो गया है कि ये 25 नंबर पिन का क्या फंडा है और अल्ट्रा स्लिम और नॉर्मल किट का साथ किस तरह कनेक्शन होता है, ठीक है। तो दोस्तों बाद में आपको ये नॉर्मल किट तो कनेक्शन आप देखा है बहुत वीडियो में, आपको अलग से वीडियो बना देगा ये अल्ट्रा स्लिम PCB किस तरह कनेक्शन होता है और जिस टाइप प्रॉब्लम आता है पिक्चर दोनों साइड गैप जो प्रॉब्लम होता है वो कैसे एडजस्ट किया जाता है सर्विस मोड ओपन करके, ये आपको देखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। और एक बात, ये तो टोटली सर्विस मोड ओपन करके वो जो लेफ्ट राइट साइड एडजस्ट करने का ऑप्शन है इसका अंदर, कुछ मार्केट किट देखा जाता है इसका अंदर सर्विस मोड ओपन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। उसका अंदर दो अलग इसी जगह पर दो अलग पीसेट देखा जाता है, ठीक है, दो अलग पीसेट वो सेम तरह ये सेक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए। तो वो पीसेट वेरी करके वो सेट पर अलग दो पीसेट देखने को मिलता है, वो पीसेट वेरी करके इसका स्टोरेज सेक्शन आप एडजस्ट कर सकते हो, वेस्ट सेक्शन का जो पिक्चर का लेफ्ट और राइट जो पिक्चर जो साइज एडजस्ट करने का जो सिस्टम वो है, ठीक है दोस्तों। और सभी का अंदर पावर का एक पीसेट होता है, इस पर एक 2K का पीसेट है और
अल्ट्रा नॉर्मल किट के अंदर ये एक टू टू के का पीसेट है जिसका नंबर है 202। ये पीसेट अलग है, ठीक है, ये सिर्फ एक पीसेट ही देखा जाता है। और कुछ कुछ अल्ट्रा स्लिम किट पर अलग दो पीसेट ये ईस्ट वेस्ट वेस्ट सेक्शन पर देखा जाता है, ये सिर्फ फर्क है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया अल्ट्रा स्लिम और नॉर्मल किट का जो फर्क होता है। थैंक यू दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। आइए आपको इस टाइम देखा था, आप देख सकते हो ये नॉर्मल सीआरटी टीवी का ये कॉइल है, ये देखने को राउंड टाइप आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और दोस्तों आरएक टाइप ये जो कॉइल है ये नॉर्मल सीआरटी टीवी का कॉइल है, लेकिन ये जो बड़ा वाला एक बेस देखा जाता है, एक्चुअली बेस देखने का आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये मोनिटर ट्यूब का कॉइल है, ठीक है। और दोस्तों ये देखिए अल्ट्रा स्लिम का ये कॉइल है, इसका जो अलग देखने को मिलता है आपको देखने को मिलता है जो ये स्क्वायर टाइप, ठीक है, आप देख सकते हो ये स्क्वायर टाइप ये अल्ट्रा स्लिम का ये कॉइल इस टाइप आपको देखने को बाद आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये नॉर्मल ये कॉइल नहीं है, ये अल्ट्रा स्लिम का ये कॉइल है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है, और दोस्तों आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए क्योंकि उसका अंदर एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, वो पर आप आके अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो।